कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जहां आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर एक बार फिर सत्ता में वापसी करने के लिए पार्टी को तैयार कर रही हैं, तो वहीं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहीं उसकी मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा प्रदेश कांग्रेस में बवाल मचा रहा है, जिस पर अब सीएम कमलनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बीजेपी की आंखों में इस कदर खटक रही है कि वो किसी न किसी मुद्दे पर कमलनाथ सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी रहती है, लेकिन सवाल उठाने वालों में कांग्रेस के अपने नेता भी पीछे नहीं हैं। किसान कर्ज माफी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री को घेर चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमलनाथ सरकार पर दिए गए बयान से प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। सिंधिया के बाद उनके समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी उनका समर्थन किया, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री सचिन सिंह वर्मा खुलकर सरकार के समर्थन में आ गए और अब सीएम कमलनाथ ने कहा है कि सिंधिया सच बोल रहे हैं, हमने पहले चरण में 50,000 तक का कर्ज माफ किया है, इसके बाद अगले चरण में हम 2,00,000 तक का कर्ज माफ करेंगे। कमलनाथ ने ट्वीट किया, मैं मानता हूं कि हमने 2,00,000 रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का वादा किया है, सरकार जल्द ही 2,00,000 रुपए तक के किसानों के कर्ज भी माफ करेगी, मैं जानता हूं कि जनता को सरकार पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भिंड में कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ सरकार को किसान कर्ज माफी के लिए घेरा था। उन्होंने कहा था कि किसानों के सिर्फ 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ किए गए हैं, जबकि सरकार ने 2,00,000 तक के कर्ज माफी की बात कही थी। सरकार को किसानों का पूरा कर्ज माफ करना चाहिए, जिसके जवाब में आज सीएम कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।